हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी यहाँ पर पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जोर शोर से आपके लेक्चर्स लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ और यहाँ पर अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं मुझसे, है ना, याद है आपको? बिल्कुल, है ना, बहुत ही बड़ा जोक था। चलो, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? यहाँ पर हम पढ़ रहे थे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर यहाँ पर हमारे लिए कैसे और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, हमें पता है एयर अराउंड अस। ओके, एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एयर में मेनली जो है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने देखा था हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर कि एयर की कॉम्पोजिशन क्या है। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज एयर, हाउ द एयर इज मेड अप ऑफ। ओके, व्हाट इज द एयर इज मेड अप ऑफ। ओके, व्हाट द एयर इज मेड अप ऑफ बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या है एयर की, है ना, किस किस चीज़ों से जो है यहाँ पर एयर पूरी मिली हुई है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेज, इसके अंदर डस्ट भी है, स्मोक भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, और बहुत सारी इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरीके से बहुत सारी गैसेज मिलके हमारा क्या बना रही हैं, पूरा एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, और ये यहाँ पर सब जगह प्रेजेंट है, इवन इन योर रूम, रूम बिसाइड यू। ठीक है, किसी और बिल्डिंग में, किसी और कंट्री में, ठीक है, कहीं भी हमारे चारों तरफ हमेशा क्या है, एयर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यहाँ पर हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम पर जाकर के अपनी रिलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सैम्पल मटेरियल देखना है आपको, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको देखना चाहते हैं कुछ, ठीक है, मटीरियल वगैरह, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक ज्वाइन अप करना है। ठीक है, फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल जो है वो एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, मटेरियल बहुत सारा आपको जो है मिल जाएगा यार। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए जो है मटेरियल को अरेंज किया गया है। ओके, यहाँ पर प्रॉपर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपके मटेरियल को अरेंज किया गया है, जो भी लेक्चर्स यहाँ पर हो रहे हैं तो वो भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर की एंड में आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चैप्टर जब खत्म होता है, आपको पता ही है ना, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, कि हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उस मॉड्यूल के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पर जाकर के आपको चूज करना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। जैसे ही आप ये चूज करते हैं, आप वहां से ये दो पैकेज देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको जैसे कि देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल। ओके, यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट। ओके, होमवर्क सबमिशन है, यहाँ पर बाय वीकली क्विजेज है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उस लेक्चर के अंदर, उस पैकेज के अंदर, कहने का मतलब, देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको चाहिए
ठीक है, आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है फटाफट से उसे चूज कर लीजिए, है ना, और बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए, बाय नाउ पे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, आप यहाँ पर AM लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द डिस्काउंट। अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज्यादा लग रही है तो यहाँ पर डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या अप्लाई करना होगा, AM लाइव, इससे आपको सीधा जो है यहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, 9549041111, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और फिर आप बड़ी ही आसानी से जो है अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस तो रह गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सको, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, ओके, कर लिया। अब यहाँ पर सिंसेयर हो जाइए और ध्यान से पूरे लेक्चर को आपको एंड तक सुनना है, इसके प्रॉपर नोट्स भी लेने हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेक्चर को पूरा एंड तक समझना भी है, ठीक है। तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अभी हमने पढ़ लिया है इसके अंदर व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ, है ना, एयर किससे मिलके बनी हुई है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, है ना, ये चीज हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर कवर अप की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ओके। और यहाँ पर आप इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर एटमॉस्फियर और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि और लिविंग बींग्स के अंदर एयर की क्या इम्पॉर्टेंस है, वो किस तरीके से यहाँ पर एयर के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपके ये कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स के अंदर हम जो है इनके सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, एयर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है एयर की, ओके। अगर आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता तो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 से, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या, एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ओके। एटमॉस्फेयर एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट थिक लेयर है, कहाँ पर, हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है, हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। एक सराउंडिंग में हमारे थिक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर इनविजिबल है, हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, एटमॉस्फियर ही है, ओके। बट हम यहाँ पर हमारी विजिबिलिटी जो है वो कुछ दूर तक ही है, ठीक है। ऊपर हम जब देखते हैं स्काई में तो हमें लगता है कि जो है स्काई बिल्कुल पास ही है, अगर हम थोड़ी सी लंबी सीढ़ियाँ लगाएं तो हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं या फिर हम उसे टच कर सकते हैं, बट ऊपर अगर आपने देखा होगा, है ना, कभी कभी जो है बहुत ही ज़्यादा पास लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर लगता है, ठीक है। स्काई कभी तो बहुत ज़्यादा पास लगता है, अगर आप कोई बर्ड ऊपर फ्लाई करते हुए देखें, है ना, वो बहुत ऊपर उठ रही है और आपको दिख रही है, या फिर आप कभी यहाँ पर जनवरी में जब काइट्स जो हैं फ्लाई करते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि कितना दूर जो है चली गई है हमारी काइट, है ना। तो उससे हमें फिर अंदाज़ा लगता है कि अरे नहीं, अभी तो जो है स्काई और भी ज़्यादा दूर है, ठीक है। यहाँ पर आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो आपको नहीं दिखाई देते, ठीक है, वो क्लाउड्स के ऊपर ही लेवल पे जो है वहाँ पर फ्लाई करते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर लेवल है, उस हाइट पे वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फियर जो है यहाँ पर बहुत काफ़ी दूर तक जो है फैला हुआ है, है ना। एटमॉस्फियर क्या है, एटमॉस्फियर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट, ओके, थिक, इनविजिबल, यहाँ पर क्या है,
एनवेलप है किसका? एयर का. ओके, किसका एनवेलप है? एयर का एनवेलप है, यानी कि एक सराउंडिंग में एक लेयर है किसकी? एयर की, बहुत बड़ी लेयर है. ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर हाइट पे उसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर ही अवेलेबल है या फिर हो सकती है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, द ट्रांसपेरेंट थिक इनविजिबल एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अस, जो हमें सराउंड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है, ऑफ परमानेंट गैसेस कॉल्ड ड्राई एयर. उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई एयर बोलते हैं. मिक्सचर है किसका? गैसेस का. ठीक है, और इसके अंदर वेरिंग अमाउंट ऑफ अदर मटीरियल इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल इसके अंदर प्रेजेंट है. इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है. स्मोक इसके अंदर प्रेजेंट है. पोलन ग्रेन और डस्ट पार्टिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है. यानी कि जो भी कॉम्पोजिशन हमने पढ़ी एयर की, है ना, एयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, इनर्ट गैसेस, ओके, इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब मिला करके आपका क्या बन रहा है? एटमॉस्फेयर बन रहा है. ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर. अब ये सारी गैसेस क्या हैं? सब ट्रांसपेरेंट है. आपके आसपास भी एयर प्रेजेंट है और एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, कोई भी ऐसे बीच में नहीं आ रही है ना. आप कोई देखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं रूम के उधर या फिर वॉल पे कुछ लग रहा है, तो बीच में क्या है? एयर है. ठीक है, लेकिन वो सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो इसी तरीके से एटमॉस्फेयर आपका इन सारी चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है. उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल दोनों ही प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ सी द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स. यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है बहुत अलग अलग लेयर्स के अंदर उसे यहाँ पर डिवाइड किया गया है. पूरा एक नहीं है. ठीक है तो सब बोलते तो पूरा जो है हम एटमॉस्फेयर ही हैं, बट उसे हमने फर्दर यहाँ पर टाइप्स और वी कैन से दैट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से. ठीक है, बिल्कुल ज़मीन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर ऊपर 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 इन द एयर उड़ते जाएंगे. ठीक है, सो ऊपर ऊपर एकदम उड़ते जाएंगे इन द एयर, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, कौन कौन सी डिफरेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की? लेयर्स के बारे में अब हम स्टडी करते हैं. कौन कौन सी डिफरेंट लेयर होती है? वहाँ पर होती है आपका, सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये सारी लेयर्स होती हैं आपकी क्या? एटमॉस्फेयर. ठीक है, और इन सारी लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, मीजोस्फेयर क्या होती है, थर्मोस्फेयर क्या होती है, एक्सोस्फेयर क्या होती है, और किस किस हाइट पे ये प्रेजेंट रहती है. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर आपको अर्थ के बाहर से दिखा रखा है, बट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल अर्थ के अंदर से ही. ठीक है, हमारे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहली लेयर आपकी आती है, वो कौन सी लेयर है? यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है, बिल्कुल नीचे यहाँ पर ग्राउंड लेवल से हम स्टार्ट करेंगे. सो सी, सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, जिसके अंदर आपके यहाँ पर प्लेन्स और बलून्स फ्लाई होते हैं. ठीक है, ट्रैवलिंग बलून्स जो है वो फ्लाई होते हैं, वो आपकी फर्स्ट लेयर है, जिसके अंदर क्लाउड्स भी होते हैं. ठीक है, वो सारी जो भी जहाँ भी आप काइट फ्लाई करते हैं, है ना, यहाँ पर अराउंड जो है कुछ डिस्टेंस तक आपकी कौन सी लेयर होती है? दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर. ओके, फिर आती है आपकी कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर. कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होते हैं आपके क्या? ओजोन लेयर, है ना. स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर कौन सी लेयर आपकी प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना, जो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन रेज. ओके, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, और फिर आता है एक्सोस्फेयर. एकदम आउटर स्फेयर, बहुत बहुत दूर जाके देख भी नहीं पाते हम. ठीक है, हम तो यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक देख पाते हैं इन ट्रोपोस्फेयर. ठीक है,
ट्रोपोस्फेयर भी काफ़ी बड़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर तो फिर हम देख ही नहीं पाते, ओजोन हमें दिख ही नहीं पाती है ना, यहाँ पर ही क्लाउड्स के वजह से ही हम जो है कुछ डिस्टेंस तक ही देख पाते हैं। इवन प्लेन्स जो फ्लाई होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में उन्हें भी हम नहीं देख पाते, ठीक है, वो भी एक सर्टेन पर्टिकुलर हाइट तक जो है क्या कहते हैं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी आवाज़ आती है, कभी कभी आती है बाई चांस, कभी वो लोअर लेवल पे फ्लाई कर रहे हों तब हम उसकी साउंड सुन सकते हैं, और फिर हम जो है इधर उधर देखते हैं कहीं भी नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पर हमारी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, और हम यहाँ पर ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते एटमॉस्फेयर की लेयर्स को। बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर, यहाँ पर अराउंड जो है हमारी 5 तरीके की लेयर हैं, ठीक है, किसकी, एटमॉस्फेयर की, ओके। अब हम इन्हें एक एक करके यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज लेयर्स, ओके। चल नाउ सी, सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, दिस इज योर लोवेस्ट लेयर भी बोलते हैं इसको, किसका, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सटेंडेड है अप टू अबाउट 10 to 11 किलोमीटर्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, कहाँ से, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये क्या है, सी है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, और यहाँ से 10 टू 11 किलोमीटर पे आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट करा और यहाँ पर ये क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर, ओके, तो यहाँ तक प्रेजेंट है आपकी क्या, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी आ गया, कितना बड़ा है माउंट, सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी किस में आ जाता है, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड्स है, ठीक है, क्लाउड्स भरे पड़े हैं पूरे, ओके, जिनकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, और यहाँ पर इसके ऊपर फ्लाई कर रहे हैं आपके जो भी प्लेन्स हैं, ठीक है, वो सब इस लेयर के अंदर ही फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर ऑल वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होकर यहीं पर ही क्लाउड फॉर्म करता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही क्या होते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पर फॉग होता है, ठीक है, रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, वो सब इस ही लेयर के अंदर होती है, एटमॉस्फेयर की इसी लेयर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉम होता है, ठीक है, स्ट्रॉम्स आते हैं यहाँ पर, लाइटनिंग होती है, वो सब अकर इन दिस लेयर, है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर अकर करती हैं, इस लेयर के अंदर ही अकर होती हैं, किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया, चल आगे बढ़े, नाउ सी, ओके, नाउ इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, यहां पर इस लेयर के अंदर क्या होता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम यहां पर हाइट इंक्रीज करते, ठीक है, 1 डिग्री जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, कितनी हाइट, अराउंड 165 मीटर है ना, अप्रॉक्स हम ले लेते हैं, कितना यहाँ पर अगर हम लें, दैट इज यहाँ पर 150 मीटर हम ले सकते हैं, तो 150 मीटर यहाँ पर जैसे जैसे आप हाइट में मूव करोगे तो यहाँ पर क्या होता रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है, क्या होता है, टेम्परेचर भी बाय 1 डिग्री यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। नाउ एज द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट एंड डेंसीएस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल लोअर लेवल है, किसका, एटमॉस्फेयर का, और बहुत ज़्यादा डेंस लेवल है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसी लेयर के अंदर हो रही है, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट एब्जॉर्ब क्या, मैक्सिमम हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड कीप द अर्थ वार्म, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पर सन से जो रेज आ रही हैं अर्थ पे, वो क्या करता है, ये यहाँ पर हीट, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, ग्राउंड सरफेस और सी वाटर हमारा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका बहुत अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, यानी कि यहाँ पर अर्थ सरफेस जो है इट गेट वार्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर, यानी कि इस एटमॉस्फेयर लेयर के अंदर यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर, ये लेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है
हीट को रेडिएट नहीं होने देती, ठीक है। मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इट एब्जॉर्ब्स, ओके, मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस, यहाँ से देखो सन से जो रेज आई, ठीक है, वो यहाँ पर अर्थ पे टकराती है, अर्थ पे टकरा के वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है तो ये लेयर उसे जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर अर्थ सरफेस, अर्थ का टेम्परेचर, ओके, इसकी वजह से भी जो है बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि समर्स में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, ओके, आगे आगे आपको और कूलर 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 टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये क्या है, लोएस्ट लेयर है, इसके अंदर मैक्सिमम डेंसीएस्ट चीज़ें जो हैं इस लेयर के अंदर ही होती है, इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फॉग जो है बनता है, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल होती है तो यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है तो रेनफॉल भी यहीं पर ही होती है, ठीक है। स्नोफॉल हो रहा है, ओके, वो भी इसी लेयर की वजह से इस लेयर के अंदर ही हो रहा है, स्टॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, क्योंकि बारिश के टाइम पर है ना बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो वो भी इसी ही वजह से हो रही है, ठीक है, समझ आया आपको, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर एंड कॉल्ड द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट लाइज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ की सरफेस से 10 टू 11 किलोमीटर्स पे लाई करती है, कौन सी आपकी ट्रोपोस्फेयर, है ना, इस 10 किलोमीटर के बीच बीच में लाई करता है क्या, ट्रोपोस्फेयर, है ना, कौन सा स्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, चलो आगे बढ़े, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी लेयर है, नेक्स्ट लेयर इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, सेकंड जो हमारी लेयर है वो कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। अब ये क्या है, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, दिस इज योर सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर यहां पर खत्म हो गया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, उसका पॉज आ गया, ठीक है, ट्रोपोपोज, और यहां पर फिर स्टार्ट होती है आपकी क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, कौन सी लेयर स्टार्ट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, मार्क कर दें, दिस इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाई जेट जो यहां पर जासूसी वगैरह करते हैं ना, वो यहां पर इस लेयर के अंदर तक फ्लाई कर जाते हैं, ठीक है। इस लेयर के अंदर होती है क्या, ओजोन लेयर, इस लेयर के अंदर यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, जो क्या करती है, सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ये ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है ना, इसलिए यहाँ पर ये हमें जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और ये हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्लाउड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये कहाँ था, 10 किलोमीटर पे खत्म हो रहा था ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज आ गया था, और फिर यहाँ पर अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर्स तक होता है आपका कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। 10 तक तो होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ पर 10 तक तो होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, और फिर उसके आगे यहाँ पर यानी ग्राउंड लेवल से 50 किलोमीटर्स तक होता है आपका क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। 50 किलोमीटर्स तक क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी हाइट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि कितनी हाइट तक आपकी जो है लेयर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर 10 to 11 किलोमीटर पे, और यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर्स पे, ठीक है। दे आर वर्चुअली नो क्लाउड, ठीक है, यहाँ पर लगभग वर्चुअली जो है क्लाउड्स नहीं होते हैं। वेरी लिटिल डस्ट एंड वाटर वेपर कन्वेंशन, ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पर जो है डस्ट और वाटर वेपर आपको देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम जो है क्लाउड्स होते हैं,
ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उसे ये क्या कर देती है, रोक के रखती है, बचा के रखती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया आपको, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ इसके अंदर टफ नहीं है। ओके, बहुत मेन मेन पॉइंट जो है आपको याद रखनी है, हाइट याद रखनी है, उसके अंदर क्या क्या होता है बस वो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में जनरली हमारे क्लाउड्स थे, है ना, बलून्स फ्लाई करते हैं, प्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इवेपोरेशन होता है, रेनफॉल होता है, स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है ना, थंडर। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मेन क्या है, 50 किलोमीटर्स तक है, और इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ लेयर, ओके, नेक्स्ट जो लेयर प्रेजेंट है हमारे पास वो कौन सी है, मीजोस्फेयर। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोपॉज आ गया यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर खत्म हो गई कहाँ पर, 50 किलोमीटर पे। अब इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है फिर कौन सा, मीजोस्फेयर। ठीक है, तो मीजोस्फेयर यहाँ पर थर्ड नंबर की लेयर है। ठीक है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, किसके ऊपर लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इट एक्सटेंड अप टू योर हाइट अबव 80 किलोमीटर्स, है ना। यहाँ पर इसकी हाइट कितने होती है, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल से 80 किलोमीटर्स तक जाते हैं। ओके, 50 से 80 किलोमीटर्स के बीच में रहता है आपका यहाँ पर क्या, मीजोस्फेयर। ओके, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं होती, बट हम देख सकते हैं कि अबाउट आपको जो है 50 टू 80 किलोमीटर्स के बीच में मिलेगी क्या, मीजोस्फेयर लेयर। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ मिलेगी, 10 किलोमीटर से जो है 50 किलोमीटर्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन मीजोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। यहाँ पर मीजोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, हम हाइट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर मीजोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो है ऐसा कुछ एज सच जो है स्पेशल नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट मीजोस्फेयर। ठीक है, और मीजोस्फेयर यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस हाइट पे प्रेजेंट रहता है, 50 to 80 किलोमीटर्स तक की हाइट पे प्रेजेंट रहता है आपका क्या, मीजोस्फेयर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, थर्मोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज योर थर्मोस्फेयर। ठीक है, इट लाइज अबव द मीजोस्फेयर, यहाँ पर मीजोपॉज आ गया और फिर यहाँ पर थर्मोस्फेयर जो है खत्म हो गया, थर्मोपॉज भी आता है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है यहाँ पर द लेयर अबव द मीजोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 480 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर्स, बहुत बहुत ऊपर, जहाँ पर अर्थ की सरफेस से जो है बाहर निकल जाते हैं, है ना, अर्थ की सरफेस से अब बाहर आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी क्या, सैटेलाइट्स। क्या प्रेजेंट होती है, सैटेलाइट्स। अर्थ के बाहर ही प्रेजेंट है, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है क्या, सैटेलाइट्स। तो थर्मोस्फेयर यहाँ पर इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, है ना। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आयंस, और इस स्फेयर को, इस लेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर लेयर भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर 90 to 500 जो है यहाँ पर दे रखा है ना, 80 पर वो खत्म हो गया था आपका, व्हाट, मीजोस्फेयर। अब यहाँ पर 80 से ऊपर 500 तक जा रही है आपकी क्या, थर्मोस्फेयर। कौन सी स्फेयर, थर्मोस्फेयर लेयर। ठीक है, सो यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये आयंस क्या करते हैं, द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू द अर्थ सरफेस एंड एबल अस टू हैव वायरलेस कम्युनिकेशन। की वजह से जो है हमें यहाँ पर क्या मिलता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प
मिलती है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पर अर्थ सरफेस से जो है हमें कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प मिलती है, यानी सैटेलाइट से हम कम्युनिकेशन बना रहे हैं तभी हम जो है यहाँ पर टीवी चैनल्स और यहाँ पर फ़ोन कॉल्स वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है, एकदम वायरलेस चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। वो किस वजह से? यहाँ पर सैटेलाइट्स की वजह से, और सैटेलाइट्स यहाँ पर कहाँ पर चलती हैं? आपके थर्मोस्फेयर लेयर्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है और ये आयंस यहाँ पर रेडियो वेव्स जो है उन्हें क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मेनली जो है सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर रेगुलरली जो है साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को भेजते रहते हैं और उनसे यहाँ पर सिग्नल्स और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक है। सो दिस लेयर इज कॉल्ड योर थर्मोस्फेयर लेयर, ठीक है, इट लाइज अबाउ यहाँ पर 80 to 500 kilometers, ठीक है, बहुत ऊपर है ना, यहाँ पर अर्थ सरफेस से भी जो है बाहर। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी लास्ट लेयर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं क्या? एक्सोस्फेयर। कौन सी स्फेयर? एक्सोस्फेयर जो है हम इसे यहाँ पर बोलते हैं। ये कौन सी लेयर है? द अपर मोस्ट लेयर और द लास्ट लेयर और द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ओके, एंड इट इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू द हाइट अबाउट यहाँ पर 1600 kilometers, 500 से उसके बाद आप देखें पूरा गैलेक्सी हमारा है ना, जिसके अंदर प्लैनेट्स आ गए सारे, है ना, वो एरिया, वो आपका पूरा एटमॉस्फेयर, वो क्या है आपका? एग्जोस्फेयर, ठीक है, एंड ग्रेजुअली मर्जेस विद द इंटर प्लैनेटरी स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे प्लैनेट्स हैं उसके साथ ये एकदम मर्ज हो जाता है और उससे आगे वहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा गैलेक्सी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 500 के बाद जो भी आपका एरिया बच जाता है, ठीक है, जो भी आप जहाँ तक भी देख पाएँ, है ना, जो भी आप समझें, ओके, वो सारा लेयर यहाँ पर क्या है? एक्सोस्फेयर लेयर है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर अभी जाना जो है पॉसिबल नहीं है, ओके, यहाँ पर एज सच जो है कुछ चीज़ें नहीं होती, ओके, यहाँ पर क्या आ गया? पूरा प्लैनेटरी सिस्टम आ गया, है ना, प्लैनेट्स वगैरह आ गए सारे, तो वो यहाँ पर ये जो है लेयर है। अब इसके अंदर क्या होता है? द स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर कलेक्टिवली रेफर्ड टू द मिडल एटमॉस्फेयर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर का अपर पार्ट है, ओके, और यहाँ पर मीजोस्फेयर, ठीक है, एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर थर्मोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और लोएस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, उसे हम कलेक्टिवली यहाँ पर क्या बोलते हैं? मिडल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मिडल एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं, ठीक है, एक एडिशनल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है, दैट इज उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मिडल स्फेयर बोलते हैं, ठीक है, एंड एक्सोस्फेयर इज योर यहाँ पर इंटर प्लानिटरी स्पेस के साथ जो है वो क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। 500 से अबाउट 600 जो है किलोमीटर्स तक आता है आपका क्या? एक्सोस्फेयर, ठीक है, अपर मोस्ट, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द फिफ्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज योर एक्सोस्फेयर, ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, चल नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, सॉरी, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव, ये बात हम सबको पता है, ठीक है, एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर विच आर यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पर एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, किसके लिए? हमारे लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ओके, उनकी ग्रोथ, उनकी यहाँ पर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी सर्वाइव के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। द प्लांट्स
ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं हमें पता है सबको, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यहाँ से सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, उन रेज को यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके, और यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रीथ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को जो है फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल जो भी यहाँ पर स्मोक है, डस्ट है, ठीक है, गैसेस हैं, उन सबको यहाँ पर कट आउट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही एनवायरनमेंट जो है फ्रेश रहता है। किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनटेक करते हैं और उसे यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन फूड, है ना, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मींस बनाना। ठीक है, तो लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ द एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से एयर जो है लाइफ सपोर्ट करती है, ठीक है, किस तरीके से उन्हें जो है हेल्प करती है इन देयर लाइफ। ओके, एयर के बहुत सारे यूजेस हमने पढ़े। ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स इसकी वजह से फ्लाई कर पाती हैं, है ना, हमारी लाइफ की वजह से सस्टेनेबिलिटी है। पैराशूट इसकी वजह से जो है यहाँ पर उड़ पाते हैं, प्लेन्स उड़ रहे हैं, ओके, पैराशूट्स उड़ रहे हैं, एंड ऑल मेनी 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 यूजेस ऑफ एयर। नाउ यहाँ पर सबसे पहला यूज है, दैट इज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में इसका क्या यूज है, यहाँ पर देखिए, प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स। प्लांट के अंदर जो है यहाँ पर इनकी लीव्स में बहुत टाइनी पोर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव। ठीक है, यहाँ पर लीव की इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं एक छोटे छोटे पोर्स। ओके, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं जिनसे स्वेट निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इरिटेशन होती है, कभी जो है स्वेट आता है ना, तो वो स्वेट कहाँ से निकलता है, अपने आप ही बॉडी में से जो है, यहाँ से पानी थोड़ी ना आ गया, हमारी बॉडी से स्वेट निकल रहा है। तो हमारी बॉडी में भी, यहाँ पर स्किन में भी बहुत ही छोटे छोटे पोर्स हैं जहाँ से स्वेट निकलता है। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है वाटर को बाहर निकालती है, थ्रू आउट करती है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के, है ना। तो एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट थ्रू दीज पोर्स। ओके, एयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, वो एंटर होती है इन पोर्स के थ्रू, जहां पर वेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये किसमें यूज कर लेते हैं, यहाँ पर अपना जो है फूड प्रिपेयर करने में, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज आ जाती है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ये यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और फिर ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं, किसके अंदर, लाइट एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करते हुए। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, ऑल एनिमल्स नीड टू रेस्पायर। सारे ही एनिमल्स यहाँ पर क्या करते हैं, सांस लेते हैं, चाहे वो कॉकरोच से लेके फिश हो, फिश से लेके यहाँ पर एलिफेंट हो, सभी क्या करते हैं यहाँ पर, दे रेस्पायर, दे रेस्पिरेट, है ना, वो सांस यहाँ पर लेते हैं। नाउ इट इज जस्ट दैट दे यूज डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, एंड मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वो क्या करते हैं यहाँ पर, डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गन्स यूज करते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पर जो है गिल्स की हेल्प से अपना जो है यहाँ पर सांस ले पाते हैं, है ना। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, लंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में आपका एयर जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एयर यहाँ पर नेसेसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए किस तरीके से एक्वाटिक लाइफ में जो है एयर की यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक लाइफ, जैसे कि यहाँ पर फिश हो गया, ओके, टेडपोल हो गया, क्रैब हो गया, है ना, श्रिम्प हो गया, दे ऑल हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड गिल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं,
गिल्स बोलते हैं। इन सब के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं फिश के, है ना, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं यहाँ पर एयर को ब्रीथ कर पाते हैं, विच इज डिजॉल्व इन वाटर। ओके, ये सब क्या रहते हैं, वाटर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाटर के अंदर ही सांस लेते हैं, है ना, दे ऑल रेस्पायर, बट कहाँ से लेते हैं, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसे ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कंज्यूम करते हैं, वो ये कंज्यूम करते हैं थ्रू देयर गिल्स, है ना, गिल्स की वेल हेल्प से यहाँ पर पानी में भी जो है ये सांस ले पाते हैं। ठीक है, गिल्स हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर गिल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीजन इनटेक करने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। ठीक है, सम एक्वाटिक एनिमल्स सच एज डॉल्फिन हो गई या फिर वेल हो गई, ठीक है, वेल सबसे बड़ी फिश है ना, हम सब जानते हैं, और डॉल्फिन हो गई जैसे कि ये, है ना, तो ये क्या करती है यहाँ पर, ये सरफेस पे आती हैं बार बार क्या करने के लिए, यहाँ पर ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, डॉल्फिन आपने देखा होगा बार बार जो है जंप करती रहती है, ओके, सरफेस पे ही मूव करती है। वेल भी आपने कोई वीडियो वगैरह में देखा हो, ओके, या फिर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर वेल जो है वो भी सरफेस पे आती है क्या करने के लिए, ब्रीद आउट करने के लिए, बहुत तेजी से है ना जो है ब्रीद इन करती है, ब्रीद आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों करती हैं ये सरफेस पे आके, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार जो है सरफेस पे आना पड़ता है, किस लिए, ब्रीद करने के लिए, एक बार ले सकती हैं और फिर डीप डाइव कर सकती हैं। ठीक है, और डॉल्फिन्स तो आपको यहाँ पर जनरली कहाँ दिखेगी, सरफेस पे ही दिखती है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज हाउ एक्वाटिक एनिमल्स दे ब्रीथ एयर। ठीक है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट है जैसे कि हाइड्रोला हो गया। ठीक है, इट ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर सरफेस, है ना, जैसे कि प्लांट में क्या बताया मैंने, पोर्स होते हैं, तो ये ब्रीद इन करता है ऑक्सीजन कैसे, यहाँ पर उसके पोर से, उसके सरफेस की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है, जो यहाँ पर वाटर के अंदर डिजॉल्व है, ऑब्वियसली जो है वहीं से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इनटेक करेगा, ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा। ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो हमारे पानी और यहाँ पर ज़मीन पर भी जो है रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गए, न्यूट हो गया, ओके, सेलेमेंडर हो गया। ठीक है, दे नीड ब्रीदिंग सिस्टम बोथ एयर एंड वाटर, यहाँ पर इनके पास जो है दोनों ही सिस्टम होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एयर के अंदर भी, वाटर के अंदर भी। ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, स्विम करते हैं इन वाटर। ठीक है, एंड विद पार्ट ऑफ देयर स्नॉट, नोजी होती है, ठीक है, नाक ये एकदम ऊपर रहती है, इनकी आंखें और नाक जो है ऊपर रहती है। ठीक है, अबाउ द वाटर सरफेस टू ब्रीथ ईजिली थ्रू देयर नॉस्ट्रल। ठीक है, नाक एकदम ये क्या रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं, बिल्कुल एकदम, बहुत देखा हो किसी भी फोटो के अंदर आपने, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एकदम फेस दिखता रहता है और ये चलते रहते हैं, है ना, तो ये अपना नॉस्ट्रल और आंखें जो है बाहर ही रखते हैं, ताकि इन्हें जो है कोई भी यहाँ पर पर्सन हो, कोई भी एनिमल हो, ओके, वो कहीं भी रिवर वाटर के जो है किनारे पानी पीने आया हो तो उसे हम पकड़ लें, है ना, खा जाएं, ओके, तो इसलिए ये ऊपर ही देखते रहते हैं, पानी में रहते हैं, छुपे रहते हैं, बस ऊपर से थोड़ी सी आँखें और नाक अपना बाहर निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एम्फीबियंस भी क्या करते हैं यहाँ पर, यानी कि अर्थ सरफेस पे, ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर के अंदर दोनों तरफ ही क्या कर लेते हैं, एयर को ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बर्ड्स। बर्ड्स किस तरीके से यहाँ पर जो है एयर ब्रीथ करती है, बर्ड्स हैव एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। यहाँ पर बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है इन्हें जब ये उड़ती रहती हैं, फ्लाई करती रहती हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विद एयर सैक दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम। यहाँ पर इनके पास लंग्स होते हैं, यहाँ पर ये उन्हें खुला रखती हैं पंख, ओके, सो द एयर कैन ईजिली पास थ्रू देम। ठीक है, यहाँ पर फ्लाई करती हैं और ये यहाँ पर खुला रखती हैं मुँह को, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है कंटिन्यूसली जो है सप्लाई होती है। बहुत सारे मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं जो यहाँ पर जैसे कि हमारा एलिफेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर
लायन हो गया, ठीक है, गोरिल्ला हो गया, ये सब क्या है, मैमल्स हैं. ओके, नाउ मोस्ट मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. मैमल्स भी सब क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज करते हैं. ओके, नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी जिसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एयर की प्रेजेंस को हम वाटर के अंदर यहाँ पर इलस्ट्रेट करेंगे, उसे यहाँ पर चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, वाटर लेंगे, कैंडल लेंगे, मैच स्टिक लेंगे और एक ग्लास टम्बलर लेंगे. ठीक है, नाउ टेक द कैंडल एंड प्लेस इट इन ए बिग बाउल. एक कैंडल लीजिए और उसे बिग बाउल के अंदर रख दीजिए. ठीक है, नाउ फिल द बाउल विद सम वाटर. बाउल को जो है यहाँ पर फिल कीजिए किससे, थोड़े वाटर से. लाइट द कैंडल एंड कवर इट विद द इन्वर्टेड ग्लास. इन्वर्टेड ग्लास से उसे जो है यहाँ पर क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए. ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, द कैंडल कीप्स बर्निंग फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द कैंडल्स ब्लो ऑफ. कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कैंडल जलती है और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है. सो ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, एक यहाँ पर एक टब सा लिया, उसके अंदर वाटर लिया, वहाँ पर कैंडल रखा, कैंडल के ऊपर हमने उसे जलाया, कैंडल को जलाया और वहाँ पर हमने फिर एक ग्लास को इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख दिया. थोड़ी देर तो कैंडल जलेगी, थोड़ी देर बाद वो कैंडल जो है इट विल ब्लो ऑफ, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग हमें पता है. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर आग नहीं जल सकती. व्हेन द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी किसके अंदर, ग्लास के अंदर, वो पूरी यूज्ड अप हो गई, उसे बाद में ऑक्सीजन नहीं मिली, तो यहाँ पर उसकी वजह से कैंडल जो है ब्लो ऑफ हो गई, यानी कि बंद हो गई. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या प्रूव करता है कि यहाँ पर बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जो है प्रेजेंस ज़रूरी है. ठीक है, एयर की यहाँ पर ज़रूरत है किस लिए, बर्निंग के लिए बेसिकली. ठीक है, बिना एयर के यहाँ पर जो है बर्निंग नहीं होगी. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Okay, please like it, share it with your friends, subscribe the channel and press the bell icon also to get the timely notification of all such videos. Okay, aur isi tarike se apna pyar dete rahiye, badhte rahiye, padhte rahiye. Milte hain agle lecture mein, tab tak ke liye yahan pe thank you, take care, bye bye, see you in the next video, in the next lecture.